सो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ ताजमहल, जो कि 7 वंडर में से एक है। 7 अजूबे हैं इस दुनिया में, जिसमें से एक ताजमहल भी है। तो मैं आज आपको ताजमहल लेकर आया हूँ। यहाँ से रिलेटेड मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ उस वीडियो में कि भाई ताजमहल का टिकट प्राइस क्या है। यहाँ पे 2 टिकट्स होती हैं, कौन सी टिकट है, किसका क्या प्राइस है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप बाय ट्रेन कैसे आ सकते हैं, बाय बस कैसे आ सकते हैं, यहाँ की टाइमिंग क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ के बारे में आपको देने वाला हूँ। अगर आपके पास कैमरा है, आप कैमरा यहाँ पर लेकर आना चाहते हो, वीडियो बनाना चाहते हो, फोटो लेना चाहते हो, तो उसके क्या चार्जेस है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने ताजमहल के इस टूर को। तो हमारा टूर स्टार्ट हो जाता है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से, जो कि ताजमहल से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर है। अब सवाल ये था कि भाई हम यहाँ आगरा कैंट से अब ताजमहल तक कैसे जाएं। तो ऑटो वाले से जब हमने प्राइस पता करे जाने के वहाँ तक के, तो कोई बता रहा है 100 रुपये, कोई बता रहा है 150 रुपये, लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़े और ई रिक्शा ताजमहल तक जा रहे थे, जो सिर्फ 20-20 रुपये ले रहे थे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से हमें ताजमहल तक ले जाने के। और भाई हमने जो अपनी ट्रेन पकड़ी थी वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़ी थी, जो कि ताज एक्सप्रेस थी। उसके जनरल डब्बे में हम गए थे और 80 रुपये में हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा कैंट पहुंच गए थे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई बस रूट यहाँ पर क्या होता है। अगर आप बस के थ्रू आना चाहते हैं ताजमहल, तो आप कैसे आ सकते हैं, तो आगरा में जो है ना 3 बस स्टैंड है, एक ISBT, यहाँ पे से आप लोकल बस यहाँ से ले सकते हैं। मान लो आप आगरा में ही रहते हो और आगरा में ही रहकर आपको ताजमहल जाना है, तो ISBT यहाँ की लोकल बस है जो आपको सारे में सफ़र कराती है, तो ये आप बस ले सकते हैं। उसी के अलावा ईदगाह एक बस स्टैंड है जहाँ पर रोडवेज चलता है राजस्थान का, यहाँ पर आप राजस्थान की बस ले सकते हैं, दिल्ली की बस ले सकते हैं, जयपुर की बस ले सकते हैं, झांसी की बस ले सकते हैं। उसी के अलावा तीसरा एक और बस स्टैंड यहाँ पर है, जिसको बोलते हैं बिजलीगढ़ का बस स्टैंड, जहाँ से आपको फिरोजाबाद की बस मिल जाती है। और अगर आप आगरा आकर या सारे भी घूमना चाहते हैं, यहाँ पे जितने विजिटिंग प्लेसेस हैं वहाँ सब कुछ कवर करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पे रूम लेने की सोच रहे हैं तो आप रूम जो है नियर बस स्टैंड ही लेना। अगर आप ताजमहल के आसपास कहीं रूम लोगे तो आपको महंगे ही मिलेंगे। और खाने पीने की अगर बात करें तो वो भी आपको यहाँ अवेलेबल हो जाता है, आप जितने अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे उतना बढ़िया आपको फूड मिलने वाला है। ताजमहल के 3 एंट्री गेट हैं, तो आइए अब अंदर चलते हैं ताजमहल में और आपको मैं बताता हूँ कि टिकट प्राइस क्या है, यहाँ की टाइमिंग क्या है, तो चलिए अंदर चलते हैं। और भाई पार्किंग की बात करें तो आप वहाँ सामने देख रहे हो ना, वहाँ से ताजमहल की एंट्री है, वहाँ से अंदर वॉक करके जाना है थोड़ा सा। और यहाँ पर देखें सामने तो ये है, यहाँ पर ये मेट्रो स्टेशन बनने वाला है, यहाँ पे भी रेडी नहीं है अभी। ये यहाँ पर ये पार्किंग है आपके, ये रोड आप देख रहे हो ताजमहल रोड है, ये यहाँ पे पार्किंग है जिसमें आपके 4 व्हीलर यानी कार के लगने वाले हैं 50 रुपये और 2 व्हीलर यानी बाइक के लगने वाले हैं 20 रुपये। ये आप सामने देख रहे हो ना, यहाँ पर ये ताजमहल की एंट्री है, ये वेस्ट गेट है ताजमहल का, यहाँ से मैं 500 मीटर अंदर चल के जाना है तब जाके ताजमहल दिखेगा हमें। बाकी ये आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं ना, इस तरीके की ई कार आपको अवेलेबल हो जाएगी, 500 मीटर तक आपको लेकर जाएगी, जिसको 20 रुपीज़ आपके लगने वाले 20 रुपये। बाकी यहाँ पर ही आप सामने देख रहे हैं लॉकर रूम है, यहाँ पर आपको अपना बैग सबमिट करना होगा। अंदर आपका मतलब पानी की बोतल, कैमरा, फ़ोन और पर्स, ये चीज़ें अलाउड हैं। उसके अलावा कुछ भी आपके पास है तो आपको यहाँ सबमिट करना होगा, जिसके पर बैग के आपके होने वाले हैं 20 रुपीज़। और भाई टिकट प्राइस की बात करें तो ऑफलाइन टिकट आप यहाँ पर ले सकते हैं, बट देखो लाइन कितनी लंबी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप टिकट ऑनलाइन ही लें। तो ऑनलाइन कैसे टिकट लेनी है वो मैं भी आपको बताऊँगा, पहले ऑफलाइन बता देता हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हो कितनी लंबी लाइन है। तो ताजमहल के टिकट प्राइस की बात करें तो भाई ताजमहल की 2 टिकट हैं, एक टिकट है अगर आप ताजमहल से सिर्फ बाहर को देखना चाहते हो, ताजमहल के कैंपस को देखना चाहते हो, तो उसके हैं आपके 50 रुपये। और अगर आप ताजमहल के मैसोलियम में यानी कि जहाँ पर शाहजहाँ और मुमताज़ की कब्र है वहाँ अंदर भी जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 200 रुपये अलग से देने पड़ेंगे, तो 250 रुपये आपके हो जाएंगे। आप चाहो तो सिर्फ 50 रुपये की टिकट लेके भी जा सकते हो, और अगर आपको कब्र भी देखनी है जाकर तो आपको 200 और पे करके 250 वाली टिकट लेनी होगी। बाकी आप चाहें तो टिकट QR स्कैन करके भी यहाँ पर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। बाकी अगर आप टिकट ऑनलाइन लोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, हमने भी ऑनलाइन ही ली थी क्विक बुकिंग से, जैसे कि आप देख रहे हो सामने। एंड फॉर फॉरनर्स योर टिकट प्राइस विल बी 1300 विद मैसोलियम्स, एंड विदाउट मैसोलियम योर टिकट प्राइस विल बी 1100। एंड इफ़ यू हैव चाइल्ड बिफोर 15 ईयर्स देन यू डोंट नीड टू पे एनी मनी फॉर देम। और भाई ताजमहल की अगर टाइमिंग की बात करें तो भाई जो ताजमहल है वो सुबह सनसाइन के आधे घंटे बाद ओपन होता है, यानी सूर्योदय के आधे घंटे बाद। और इसके क्लोज की टाइमिंग की बात करें तो भाई ये शाम को सूरज ढलने के 30 मिनट पहले ही बंद हो जाता है, इसको कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसी तरीके से ये ओपन और क्लोज होता है। शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है, मीन्स फ्राइडे को। तो भाई अभी हम उस जगह पर आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ से सामने जो ताजमहल का व्यू आता है वो एक नंबर होता है। तो गाइज वो दिख गया हमें ताजमहल, बट यहाँ से देखेंगे तब आएगा मजा आता।
तो अब यहाँ से हम आगे की तरफ चल रहे हैं और देखते हैं यहाँ से जो लुक आता है ना ताजमहल का, वो होता है एक नंबर का। यहीं से ही लोग अपनी रील्स बनाते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं। देख सकते हैं सामने भी कितने लोग फोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पर। तो सामने हमें दिखाई दे रहा है ताजमहल। तो अंदर जाने से पहले आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, पूरा एक मैप मिलेगा जिसमें पूरा बताया हुआ है। मुख्य मकबरा, यानी ताजमहल को मकबरा बोला गया है यहाँ पर। और उसके ताजमहल के पीछे यमुना नदी जा रही है तो वो दिखाया हुआ है। यहाँ मस्जिद दिखाई हुई है, खाने अलाम, तो ऐसे ही पूरा यहाँ पर लगाया हुआ है। और क्राउड देखो यहाँ पर कितना क्राउड है। तो फाइनली अब हम यहाँ से हम चल रहे हैं अंदर और देखने वाले हम ताजमहल। यहीं का जो व्यू होता है सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, तब यहाँ से धीरे धीरे ताजमहल दिखना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखो सबके कैमरे चालू हैं, लोग सारे फ़ोटो में लगे हुए हैं यहाँ पर, ये देखो। तो खैर हम भी चलते हैं वहाँ पे आगे और देखते हैं ताजमहल। तो वे अभी सामने है ताजमहल। यहाँ पे इसके चारों ओर आप देख सकते हैं फाउंटेन लगाए हुए हैं चारों ओर, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सामने ताजमहल देख रहे हैं ना, तो इसके आपके 50 रुपीज़ है। आप यहाँ पे फोटो शूट करो, चाहे अपनी रील्स बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ, जो भी है फोटो क्लिक करो, जो भी एनीथिंग, तो इसके 50 रुपये। बाकी अंदर आपको जाना है तो उसके थे वो जो एक्स्ट्रा चार्ज लिए थे आपके टिकट के 200 वाला। सो गाइस ताजमहल तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे सामने, फोटो क्लिक करना हो चाहे कुछ भी एनीथिंग, ताजमहल ये रहा। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे चल के आपको दिखाते हैं कि अंदर जो है मकबरा बनाया हुआ है, तो वहाँ पे अंदर क्या है। अगर हम वीडियो शूट कर पाए, अलाउड हुआ, तो वहाँ अंदर की वीडियो भी लेंगे आपको और दिखाएंगे कि अंदर क्या है। बाकी भाई ताजमहल को आप देख रहे हैं, थोड़ा जूम करके देखते हैं यहाँ पर ऊपर, पता नहीं क्या ब्लैक ब्लैक सा लगाया हुआ, ये थोड़ा ऊपर थोड़ा कलर्स टाइप लग रहा है और चांद हो जैसे इस तरीके से लग रहा है थोड़ा सा लुक। तो चलते हैं नीचे ही करते हैं वापस, तो आगे बढ़ते हैं। और आपको ना यहाँ पर चारों तरफ ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो भाई ड्रिंकिंग वाटर यहाँ अवेलेबल है, ये अच्छी बात है। बाकी जब आप अंदर जाओगे ना तो आपको एक शू कवर मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा, शू में आप उनको डाल लोगे तब आप जा सकते हो। बाकी यहाँ पर लगा हुआ है मस्जिद के लिए रास्ता केवल नमाजियों के लिए, अच्छे से जो नमाजी है ना वही जा सकते हैं, मस्जिद में सब नहीं जा सकते। और गाइस आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर हम अभी उस साइड थे, वहाँ उस साइड तब भी ताजमहल ऐसा दिख रहा था, अभी दूसरी साइड आ गए तब भी ताजमहल ऐसा ही दिख रहा है। तो एक ही तरीके का स्ट्रक्चर है यहाँ पर चारों तरफ। बाकी ताजमहल के वहाँ पीछे की साइड यमुना जी हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मॉस्क है मस्जिद। तो अभी हम वहाँ पीछे की साइड चल रहे हैं, वहाँ पर यमुना जी हैं, तो वहाँ से भी एक बार देखते हैं कितना अच्छा व्यू दिखाई देने वाला है। तो यहाँ भी काफ़ी भीड़ है, लोग यहाँ पर यमुना जी को भी देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है लगता है। तो चल के देखने वाले हम भी चलते हैं। तो भाई ये आप देख रहे हैं यहाँ पे यमुना जी हैं, काफ़ी सूखी भी हैं और बिल्कुल पानी जो है काला हो रखा है, वो हमारी वजह से ही है। हमने फैक्ट्री का जो पानी है, सारा पॉल्यूशन सब कुछ, सारी फैक्ट्री सारी यमुना में जा रहा, सारा सबका कूड़ा कबाड़ा डस्ट, तो जिस वजह से ये हाल हो चुका है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर आप ताजमहल देख रहे हैं, ताजमहल का जो कलर है वो भी येल्लो येल्लो सा हो गया, पहले टोटली वाइट हुआ करता था ये, बट अब पीला पड़ गया पूरा पॉल्यूशन की वजह से ये सब भी। बाकी यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये हाउस के लिए है, मतलब यहाँ सामने मस्जिद है, तो मस्जिद में किसी को जाना है तो पहले यहाँ पर हाउस करके फिर वो जाएगा। तो भैया भी हमने यहाँ से एंट्री ले ली है, जो हमने टिकट ली थी ना 200 रुपये वाली, वहाँ से हमने एंट्री ले ली है। तो अब यहाँ चल रहे हैं मकबरे की साइड। और यहाँ वॉल पर देखो कुछ इस तरीके के डिज़ाइंस बने हुए हैं, जैसे फ्लावर्स टाइप बना हुआ है पूरा। तो जूम करके दिखा दूँ थोड़ा सा, तो खैर अब वहाँ से हम चलते हैं, एंट्री लेते हैं, वहाँ से स्टेयर्स हैं, वहाँ से हमें ऊपर जाना है। सो गाइस हमने ये सू कवर जो लिए थे ना वो पहन लिए हैं, और मतलब मैं काफ़ी मकबरे में गया हूँ, वहाँ पर इस तरीके से सू कवर नहीं पहने जाते ना, शूज़ रिमूव करे जाते, बट यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोबाइल फ़ोन आपको स्विच ऑफ करके जाना पड़ेगा, ईटिंग स्मोकिंग सब कुछ मना है अंदर, तो शायद सूट नहीं हो पाएगा अब, क्योंकि भाई मोबाइल फ़ोन मना है, स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो ऊपर हम आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो पूरे ये जितनी भीड़ है लाइन लगी हुई है, ये देखो पूरी ये लाइन लगी हुई है यहाँ पर, ये तो बहुत ज़्यादा क्राउड है। बाकी यहाँ पर चार स्तंभ लगे हुए हैं ना जो, तो यहाँ देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई ऊपर भी जा सकते हो, क्योंकि वहाँ डोर है और वहाँ ऊपर भी ओपन है जैसे विंडो टाइप। बाकी यहाँ पर देखो थोड़ा फ्लावर्स टाइप इन्होंने बनाया हुआ है पूरा यहाँ पर, ये तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो चलते हैं अब यहाँ से अंदर, लाइन में लगते हैं, बाकी सूट तो अलाउड हो नहीं पाएगा, फोन स्विच ऑफ रखना है, क्योंकि इन एंट्री देखो यहाँ की ये है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हमें अंदर जाना, बट पहले लाइन में लगना पड़ेगा। सो गाइस फाइनली अंदर जाने वाले हैं हम, और अंदर सूट अलाउड नहीं है, फोटो वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, तो रखते हैं फोन। ए फ्यू मिनट्स लेटर, सो गाइस अंदर से हम आ चुके हैं बाहर, अंदर मुमताज़ और शाहजहाँ की कब्र थी,
बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की कलाकृति यहाँ पर करी हुई है। फ्लावर्स पूरे में यहाँ पे लगाए हुए हैं, पूरे डिजाइन देखो फ्लावर वाला है यहाँ पर। और यहाँ देखो यहाँ भी कितना बढ़िया डिजाइन से बनाया हुआ है। बाकी ऊपर देखो तो कुछ इस तरीके का है, ये देखो पूरा ऊपर तक। तो दोस्तों अभी हम इस साइड चल रहे हैं, यहाँ पे मेहमान खाना लिखा हुआ है, एरो दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मस्जिद और जमात खाना के बारे में लिखा हुआ है, 1631 से 48 के बीच का है सब कुछ ये। तो यहाँ पर ताजमहल है, ताजमहल के अभी हम दूसरी साइड आ चुके हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हो मस्जिद और जमात खाना है ये, तो जिसके बारे में भी मैंने आपको दिखाया था ना पीछे। सो गाइज यहाँ पर हमने काफ़ी रील्स वगैरह लिए हैं, फ़ोटो वगैरह लिए हैं, तो इंस्टाग्राम पर वो हम पोस्ट करेंगे, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आप। बाकी यहाँ बच्चे काफ़ी रील वगैरह बना रहे हैं। तो भाई ये बच्चे देखो हमारे साथ फोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पर, बड़े क्यूट क्यूट से बच्चे। क्या क्या नाम है भाई तुम्हारे? मेरा नाम पहल, पहल आनंद, कितना प्यारा नाम है पहल। तुम्हारा नाम क्या था? मेरा नाम है कायनात। अच्छा कायनात आनंद, देखो क्या था? विराट। अच्छा विराट नाम था। बाकी यहाँ पर ये आप देख रहे हो ना पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये वही है जो वहाँ ऊपर बनाया हुआ है ना, जो मैंने आपको दिखाया था कलश और चांद है, तो वही चीज़ यहाँ पर बनाई हुई है पूरा ये आप जो देख रहे हो ये। और ताजमहल के इतिहास की बात करें तो वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रहा, क्योंकि भाई आप भी जानते हो ताजमहल को दो नाम से जाना जाता है। तो मैंने वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। दोनों ही पहलू से मैंने वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो हिस्ट्री जानने के लिए आप उन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर जल महल के बारे में लिखा हुआ है। तो भैया अब आपको म्यूज़ियम दिखाते हैं, जो म्यूज़ियम की एंट्री बिल्कुल फ्री है, ये यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो म्यूज़ियम जो है यहाँ पर टाइमिंग जो है वो 9 बजे से 5 बजे तक की, और फ्राइडे को पूरा ताजमहल बंद रहता है। तो हो के आते हैं ताज म्यूज़ियम के अंदर से। तो गाइस म्यूज़ियम जो था यहाँ पर ही, हम उसमें से आ चुके हैं बाहर, फ्री था तो अंदर ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। यहाँ पर क्या है, जो ताजमहल को बनाने में जिन जिन चीज़ों का यूज़ हुआ है वो सब है, कुछ स्टोन्स वगैरह हैं, तलवार वगैरह है, ठीक है, और कुछ बुक्स वगैरह, ये सब चीज़ें अंदर थी। तो ये सब आप देख सकते हो, यहाँ पर आके नॉलेज ले सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर एंट्री गेट है ना, वहाँ से हमने एंट्री ली थी, और उसके साइड में देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है शायद बोर्ड पर, तो ये देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरा हमें सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है वो है चर्चेज ऑफ गोवा। अच्छा गोवा के यहाँ पर चर्चेज हैं ये आप देख रहे हैं जो सामने। तो और वहाँ उस साइड चलें अगर, तो वहाँ इंडिया गेट दिखाया हुआ है, ये इंडिया गेट है, ठीक है, अपने दिल्ली में ही है ये। यहाँ भारत का पूरा मैप है और कुछ साइन दिए हुए हैं यहाँ पर, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अच्छा स्टेट दिखाए गए हैं सारे। और यहाँ भी ऐसे मतलब काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, महात्मा गांधी, ठीक है, यहाँ पे महात्मा स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा वहाँ एंड तक जा रहा है, वहाँ पीछे तक। तो इंडिया में जितने मॉन्यूमेंट्स हैं, टेम्पल्स हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर है। जैसे थोड़ी सी अगर नज़र यहाँ पर मारे तो गोल्डन टेम्पल देख सकते हैं आप सामने, यहाँ पर देखो गोल्डन टेम्पल है, और यहाँ पर क्या किले और महल, ये तो वृंदावन की तरह लग रहा है थोड़ा सा, लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा जहांगीर पैलेस मध्य प्रदेश, बाकी यहाँ पर ये गोल्डन टेम्पल है। बाकी यहाँ आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल दिखाया हुआ है, ये देख सकते हैं एग्जिट पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, हद से ज़्यादा भीड़ हो रही है भाई साहब, सारे ताजमहल की फ़ोटो लेने में लगे हुए हैं। हम भी ले रहे थे तब हम आए थे, तो अब हम चल रहे हैं वापस की और देखते कुछ और है कि नहीं। तो गाइस पूरा ताजमहल हमने घूम लिया, यहाँ पे जो म्यूज़ियम था, अंदर मकबरा था, सब कुछ। तो जो मकबरे में आपकी टिकट थी वो 200 रुपये की थी अंदर जाने की, वहाँ पे मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे कब्र थी और कुछ था नहीं उसके अलावा। तो आप चाहो तो ओनली 50 रुपये की टिकट लेके भी आ सकते हो, बाकी अंदर मकबरा में जाना चाहो वो भी जा सकते हो, तो मर्जी आपकी, बता दिया सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो यही था इस ब्लॉग के अंदर, चैनल पर पहली बार तो कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि ऐसे विजिटिंग प्लेस हम आपको बताते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ध्यान रखिए आपसे अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।